dear students welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes and in this lecture we will discuss about the liability and inertness of octahedral complexes on the basis of crystal field theory तो बच्चों आपका स्वागत है इस लेक्चर में जो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पर बनाया हुआ है ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस के और यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस उसको हम सी के बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँ कि हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो दो तरीके की थी एक थी एस रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरी थी एस एन टू रिएक्शन मैकेनिज्म और दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो आपने देखा था कि जो एस एन वन रिएक्शन मैकेनिज्म थी वहां पर दो इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं एक हो सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और दूसरा हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल तो मैं एक बार आपको उसका व्यू और दिखा दूं ताकि हम इस इस जो हमारा लेक्चर है इसको हम अच्छे से समझ पाए तो आपको ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स है अगर एस एन वन मैकेनिज्म होगा तो एक यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा और जो दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा वो ट्राइगनल बाई पिरामिडल होगा अगर हम ट्राइगनल बाई पिरामिडल को देखेंगे तो यहाँ पर स्कैम्बलिंग है बॉन्ड्स की बॉन्ड्स का मूवमेंट है तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो फॉर्मेशन है वो उतना आसान नहीं है एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है जितना आसान स्क्वायर पिरामिडल जो जो इंटरमीडिएट है वो होता है तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर पिरामिडल जो इंटरमीडिएट है एस एन वन रियक्शन में वो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है जनरली और वो जनरल अगर हम जनरल बात करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पिरामिडल जो इंटरमीडिएट है वो स्टेट आसानी से बनती है और अगर हम बात करेंगे एस एन टू मैकेजम की तो आपने देखा कि जब एस एन टू मैकेनिज्म होती है तो ये जो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है या तो ये पेंटागनल पाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनाता है या ये ऑक्टा वेज बनाता है और अगेन मैंने आपसे ये कहा था कि जब फेस के थ्रू अटैक होगा तो अपटाइट्रल वेज बनेगा और जब एज के थ्रू होगा तो वो पेंटागनल बाई पिरामिडल होगा लेकिन अगर आप पेंटागनल बाई पिरामिडल को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है जबकि ऑक्टाहेड्रल वेज में क्या हो रहा है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं हो रही है इसलिए एस एन टू के केस में स्टेबल इंटरमीडिएट जो एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा वो कौन सा होगा ऑक्टाहेड्रल वेज तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है एस एन वन में जो फेवरेबल जो इंटरमीडिएट है वो है वो स्क्वायर पिरामिडल है और जो एस मैकेनिज्म में जो स्टेबल जो एनर्जेटिकली फेवरेबल जो इंटरमीडिएट है वो है ऑक्टाहेड्रल वेज तो अब हम रिकॉल कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट्स कौन से इजीली फॉर्मड होते हैं इजीली कौन से फॉर्म्ड होते हैं एस एन वन रिएक्शन में जो फॉर्म होता है वो है स्क्वायर पिरामिडल और एसेंट टू में जो फॉर्म होता है वो है ऑक्टाहीट्रल वेज अब मैं आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बता रही हूँ देखिए हमने एनर्जी प्रोफाइल भी पढ़े थे पहले और एनर्जी प्रोफाइल में हमने ये पढ़ा था कि जो एस एट वन या एस एन टू मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शन होती है वहां पर आपने देखा इस जगह पर इंटरमीडिएट की एनर्जी होती है यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ओके तो मैं इसको यहाँ पर लिख के भी दिखा सकती हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ये जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की है ओके ये जो एनर्जी है यहाँ पर वो एनर्जी किसकी है इंटरमीडिएट की और ये जो रिएक्ट जो एनर्जी है वो किसकी है प्रोडक्ट की सिमिलर वे में यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पर इंटरमीडिएट की एनर्जी है और यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी है ओके okay? तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट की एनर्जी है और जो इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है इसको कवर अप करना है इसने और ये जो डिफरेंस है इन दोनों की एनर्जी के बीच का वो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी तो आप देख रहे है जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जितनी अधिक होगी देखिए उतना मुश्किल होगा इंटरमीडिएट का बनना और ये जितनी कम होगी देखिए एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतनी आसानी से ये इंटरमीडिएट बन जाएगा तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जितनी कम होगी उतना जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स वो उतना ही उतना ही ही लेबाइल होगा आसानी से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि ये बैरियर क्या है कम है और ये बैरियर जब अधिक होगा तो क्या होगा ये यहाँ से यहां पहुंचने में इसको अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए इसलिए ये उतना रिएक्शन नहीं देगा उतनी आसानी से जितना आसानी से ये वाला ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स देगा तो इस तरीके से ये जो ऑक्टाइट्रल कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट कहलाएगा और ये जो ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स है ये लेबाइल कहलाएगा अब ये किसके टर्म्स में आप जानते हैं कि जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है उसके बेसिस पर हम दो तरीके के रिएक्टेंट कहते हैं एक होते हैं इनर्ट और एक होते हैं लेबाइल इनर्ट वो होते हैं जो फास्ट रिएक्शन नहीं देते जो स्लो रिएक्शन देते हैं वो इनर्ट होते हैं और जो फास्ट रिएक्शन देते हैं वो होते हैं लेबाइल रिएक्टेंट्स ओके तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक टर्म आपको बता रही हूँ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी सी एफ ए जिसे हम कहते हैं और सी एफ ए क्या होता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी एफ एस सी ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं बच्चों इंटरमीडिएट जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल अगर एस एन वन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं या वो हो सकता है ऑक्टाहीट्रल वेज तो हम दो ही इंटरमीडिएट्स की बात यहाँ पर करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट है उसकी सी एफ एस सी क्या है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है और जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट कौन है ऑक्टा कॉम्प्लेक्स यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं ऑक्टा कॉम्प्लेक्स की तो जो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है और जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसका क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी है उन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी अधिक होगी उतना मुश्किल होगा रिएक्शन होना तो जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्या होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा और ये जितनी कम होगी उतना ही वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों अगर ये जो डिफरेंस है अगर ये नेगेटिव आए या जीरो आए और ये लो वैल्यू है यानी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू इंटरमीडिएट तो ये एक फास्ट रिएक्शन होगी और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स ये होगा कैसा कॉम्प्लेक्स होगा देखिए लेबाइल कॉम्प्लेक्स ये होगा और अगर ये एनर्जी पॉजिटिव होगी या अधिक वैल्यू इसकी होगी तो हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू इंटरमीडिएट तो रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसलिए रिएक्शन कैसी होगी स्लो और रिएक्शन अगर स्लो होगी तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है स्लो है ओके okay? तो अब हमें बच्चों क्या चाहिए देखिए हमें ऑक्टा हिट्रल की अब हमारे पास दो इंटरमीडिएट है एक है स्क्वायर पिरामिडल और एक है ऑक्टा हिट्रल वेज तो हमें और एक हमें क्या चाहिए ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स तो तीन हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं एक आ रहा है एक हमारे पास आ रहा है ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स एक हमारे पास आ रहा है ऑक्टा हिट्रल वेज और एक हमारे पास आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल तो ये दोनों क्या है इंटरमीडिएट है और ये क्या है रिएक्टेंट है तो हमें किसकी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट की एनर्जी चाहिए और इंटरमीडिएट की एनर्जी हमें चाहिए इन दोनों की एनर्जी हमें चाहिए इन दोनों की अगर एनर्जी मिल गई तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी होगा अगर वो माइनस होगा या जीरो होगा तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा अगर वो अधिक होगा पॉजिटिव होगा तो वही इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए हमें स्प्लिटिंग किसकी आनी चाहिए ऑक्टा की स्प्लिटिंग आनी चाहिए और हमें किसकी स्प्लिटिंग आनी चाहिए स्क्वायर पिरामिडल की और हमें किसकी स्प्लिटिंग आनी चाहिए ऑक्टा वेज की तो जब हमें ये स्प्लिटिंग आएगी तो हम आसानी से इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऑक्टा की जब स्प्लिटिंग होती है जो कि मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करी है वहाँ आप देख सकते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो डी ऑर्बिटल था वो दो ऑर्बिटल में थी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया एक है टी टू जी और एक है ई जी तो टी टू जी की जो एनर्जी है वो कितने से कम होती है आप जानते हैं ये पॉं, माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ या माइनस फोर डी क्यू और ये कितनी है ये है सिक्स डी क्यू और पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ तो ये आप जानते ही हैं तो यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस पॉइंट फोर से और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम माइनस पॉइंट सिक्स इसको पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या अगर हमें डीक्यू में कैलकुलेट करनी है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम सिक्स से, से मल्टीप्लाई करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम माइनस फोर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को जोड़ते हैं हमें क्या मिल जाती है सी सी मिल जाती है अब हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल की स्प्लिटिंग भी यहाँ पर है जो मैंने आपको बताई हुई है एक पर्टिकुलर वीडियो में जो कि नॉन ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्सेस की, नौ की स्प्लिटिंग के बारे में बात करता है तो स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है बच्चों की जो डी वाई जेड डी जेड एक्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो और कम होती है और ये कितनी कम होती है इनकी एनर्जी होती है माइनस फोर पॉइंट फाइव डी क्यू dxy की इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है -0.90 q dz2 की होती है 0.90 q और dx2y2 की होती है 9 dq तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं हम इस के d कॉन्फिगरेशन अगर हमें दिया होगा तो हम उसके लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की जो सी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हमें माइनस पॉइंट फोर फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माइनस पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको नाइन डी से मल्टीप्लाई करेंगे सबको जोड़ देंगे जो हमें मिलेगा वो स्क्वायर पिरामिडल की हमें क्या मिल जाएगी हमें उसकी मिल जाएगी सी एफ एस सी ठीक है अब हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे देखिए लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ठीक है लो स्पिन हो या हाई स्पिन हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ठीक है अगर ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा ठीक है ओके अब अगर ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें सॉरी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो कैसे होती है ऐसे होती है जो माइनस वाले ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी मैं आपको फिर से बताती हूँ ओके तो आप देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा ठीक है अगर ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन मान लीजिए तो हाई स्पिन में तो ऐसे फीलिंग होगी थी कि तीसरा यहाँ आ जाएगा चौथा यहाँ आ जाएगा और पाँचवा यहाँ आ जाएगा ओके फिर छठा यहाँ आ जाएगा सातवां यहाँ जाएगा आठवां यहाँ आ जाएगा ओके नौवा यहाँ आ जाएगा और दसवा यहाँ आ जाएगा इस तरीके से फिलिंग होगी अगर मैं हाई स्पिन की बात करूँगी और अगर मैं लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँगी तो कैसे ऐड होंगे देखिए वन टू थ्री ठीक है फोर्थ यहाँ आ जाएगा फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ एंड और इसलिए आप ये देखेंगे अब मैं आपको दिखा रही हूँ आप ऐसे कैलकुलेशन करिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको पॉइंट माइनस पॉइंट फोर माइनस फोर पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पॉइंट नाइन से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है पॉइंट नाइन से और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस इंटरमीडिएट की एनर्जी डिफरेंट uh, जो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसमें हमें मिल जाएगी ऑक्टा तो आप जानते हैं कि हाई स्पिन होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव और और अगर होगा तो तो इस तरीके से होगी हम कैलकुलेट कर, कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर एस एन वन के थ्रू अगर रिएक्शन होगी तो आप देखेंगे कि जो जो इंटरमीडिएट है वो स्क्वायर पिरामिडल है और जो जो रिएक्टेंट है वो ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है तो मैंने आपसे कहा जो इंटरमीडिएट है उसकी हमने सी कैलकुलेट की ये डी में है और हमने ऑक्टा कॉम्प्लेक्स की डी जो सी एफ एस सी है वो कैलकुलेट करी अब हमने इन दोनों का डिफरेंस जो इंटरमीडिएट है उसमें से हमने रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस किया तो हमें क्या मिल गई क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो ये क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिली और ये क्रिस्टल फील्ड का जो अगर हम साइन यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइन जो है वो जीरो है यहाँ कोई साइन नहीं है डी वन के लिए आप देखेंगे नेगेटिव साइन आ रहा है डी टू के लिए आप देखेंगे नेगेटिव साइन आ रहा है डी थ्री के लिए पॉजिटिव साइन आ रहा है डी फोर हाई स्पिन के लिए नेगेटिव आ रहा है डी फोर लो स्पिन के लिए पॉजिटिव आ रहा है डी फाइव के लिए जीरो है और डी फाइव हाई लो स्पिन के लिए ये पॉजिटिव है हाई स्पिन के लिए क्या है जीरो ऐसे ही आप नेक्स्ट कन्फिग्रेशन देखेंगे अगर मैं डी सिक्स को देखूँ तो ये जो स्क्वायर पिरामिडल डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन डी टेन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये स्क्वायर पिरामिडल की सी एफ एस सी है और आप जानते हैं कि जो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो d4 d5 d6 फाइव d7 सिक्स एंड वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग होता है बाकी कन्फिग्रेशन में एक सा होता है सी एफ एस ईक्टा हिड्रल की है ये ठीक है जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो आप ये देखेंगे डी सिक्स लो स्पिन के लिए ये पॉजिटिव है डी सिक्स हाई स्पिन के लिए ये नेगेटिव है डी सेवन लो स्पिन के लिए नेगेटिव है डी सेवन हाई स्पिन के लिए नेगेटिव है डी एट के लिए पॉजिटिव है डी नाइन के लिए नेगेटिव है, है और डी टेन के लिए जीरो है तो इससे हमें क्या रिजल्ट क्या हम कंफेंस क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे मैंने आपसे कहा कि अगर ये वैल्यू जीरो है या ये नेगेटिव है तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है तो जितनी कम है उतना ज़्यादा क्या होगा लेबाइल होगा तो एल मीन्स लेबाइल यानी डी जीरो डी वन एंड डी टू ये कन्फिग्रेशन क्या है लेबाइल हैं फास्ट रिएक्टिंग होंगे अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा यानी स्लो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स ये होगा तो डी थ्री कन्फिग्रेशन को अगर आप देखेंगे तो ये स्लो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है अब आप देखिए डी फोर हाई स्पिन ये माइनस वैल्यू है इस ये फास्ट रिएक्टिंग है लिबाइल है d4 ls को अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है तो ये इनर्ट है और ये स्लो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है d5 को अगर आप देखेंगे तो ये जीरो है इसलिए ये फास्ट रिएक्टिंग है लिबाइल है d5 ls को अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है और ये इनर्ट है तो यहाँ पर आप तीन कॉन्फिगरेशन देख लीजिए नोट कर लीजिए d3 d4 ls एंड d5 ls ये क्या है स्लो रिएक्टिंग है यानी इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे जो एस एन वन के थ्रू अगर रिएक्शन होगी तो ये क्या कहलाएंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे अब यहाँ पर दो कन्फिग्रेशन आपको और दिख रहे हैं डी सिक्स एल एस एंड डी एट तो ये क्या है ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं जो जो ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे डी सिक्स एल एस एंड डी एट ये क्या होंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपने पांच कन्फिग्रेशन आप नोट कर सकते हैं डी थ्री डी फोर एल एस डी फाइव एल एस डी सिक्स एल एस एंड डी एट ये क्या है इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं जब रिएक्शन एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू होगी अब हम देखेंगे अगर रिएक्शन के थ्रू होगी तो आप जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है ऑक्टा वेज ये ऑक्टा वेज स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्टा में यहाँ पर भी एक एटम होता है और यहाँ पर भी एक होता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्टा वेज में यहाँ पर दो एटम्स हैं तो सेवन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है यहाँ पर किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल वेव की ऐसे स्प्लिटिंग होती है क्योंकि एक जेड डायरेक्शन में कोई भी लिगेंड नहीं है तो ऐसे होती है कि डी वाई जेड की एनर्जी सबसे कम होती है जी एक्स जेड की देन डी एक्स वाई की देन डी जेड स्क्वायर की देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ये क्रम लगभग स्क्वायर पिरामिडल की तरह है ये दोनों की एनर्जी बराबर होती है बट यहाँ पर जो ये दो ऑर्बिटल हैं ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है मतलब जो डी वाई जेड और डी एक्स जेड है क्योंकि यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन है वहाँ पर कोई भी लिगेंड नहीं है लिगेंड किस डायरेक्शन में होगा वाई जेड और एक्स जेड डायरेक्शन में जो लिगेंड है वो जेड डायरेक्शन में ना होने की वजह से जेड की स्प्लिटिंग क्या होती है कम हो जाएगी क्योंकि जेट की डायरेक्शन में केवल एक ही लिगेंड है दूसरी डायरेक्शन में कोई भी लिगेंड नहीं है तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न है और ये एनर्जी है डी वाई जेड की जो एनर्जी है वो माइनस पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो एट डी क्यू है डी एक्स जेड की जो है माइनस टू पॉइंट सिक्स जीरो डी क्यू है डी एक्स वाई की माइनस वन पॉइंट फाइव वन डी क्यू है डी जेड स्क्वायर की वन पॉइंट थ्री नाइन डी क्यू है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एट पॉइंट सेवन नाइन डी क्यू है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे यहां इलेक्ट्रॉन है उसको इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन है उसको इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी अगर हम ये नहीं जानेंगे कि इनकी स्प्लिटिंग कैसे हो रही है तो हम इसकी सी एफ एस सी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखना चाहेंगे बच्चों किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो अगर वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी देखिए वन दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इस इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लीकेशन अगर डी फाइव है तो जीरो आ जाएगा देखिए डी फाइव कन्फिग्रेशन अगर है तो यहाँ पर हाई स्पिन का क्या हो जाएगा जीरो एनर्जी आ जाएगी फिर जो सिक्स इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा सेवन्थ यहाँ चला जाएगा एट्थ यहाँ जाएगा नाइन्थ यहाँ जाएगा और जो तो टेंथ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा इस तरीके से फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की अगर ये क्या होगा अगर ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और अगर ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होंगी उसमें फिलिंग कैसे होगी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ये जो माइनस की एनर्जी है वहाँ पर आप देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया ओके okay, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा सेवन्थ यहाँ जाएगा एट यहाँ जाएगा ओके okay, और नाइन्थ यहाँ जाएगा और टेंथ यहाँ जाएगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो उसके बेसिस पर यू कैन इजिली कैलकुलेट दी सी एफ एस सी फॉर डिफरेंट कन्फिग्रेशन हाई स्पिन के लिए भी और लो स्पिन के लिए भी आप कन्फिग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने टेबल दिखाई है अगर एस एन टू मैकेजम होगी तो ऑक्टा जो वेज है वो इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट की हमने डिफरेंट कन्फिग्रेशन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर ली जो मैंने आपको स्प्लिटिंग बता दी है उसके बेसिस पे हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली ऑक्टा जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट की और हमने डिफरेंस निकाल दिया इन दोनों की एनर्जी का इंटरमीडिएट की एनर्जी में से जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी माइनस करेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है आप देखेंगे ये देखिए ये जीरो आई यहाँ पर माइनस साइन है यहाँ पर माइनस साइन है इस डी थ्री के लिए पॉजिटिव है डी फोर हाई स्पिन के लिए नेगेटिव है डी फोर लो स्पिन के लिए नेगेटिव है और आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर भी ये जीरो है ओके डी फाइव हाई स्पिन पर ये जीरो है और डी फाइव लो uh, स्पिन के लिए पॉजिटिव अब आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव होगी तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स यानी स्लो रिएक्टिंग और आपने इससे पहले भी देखा था बच्चों आपने क्या देखा था आपने देखा था जो डी थ्री कन्फिग्रेशन था अगर एस एन वन के थ्रू मैकेनिज्म होगी और जो डी फाइव लो स्पिन था अगर एस एन वन के थ्रू होगी तो ये दोनों कन्फिगरेशन आपने देखे थे वो यानी एस एन वन मैकेनिज्म में, में भी क्या थे इनएक्टिव थे ये इनर्ट थे तो कॉमन देखिए रिजल्ट आ रहा है कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो चाहे S N 1 की थ्रू रिएक्शन हो या S N 2 की थ्रू हो D 3 इनर्ट ही रहेगा D 5 L S जो है वो इनर्ट ही रहेगा चाहे रिएक्शन S N 1 मैकेनिज्म से हो रही हो या S N 2 मैकेनिज्म से हो रही हो अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने डी सिक्स लो स्पिन डी सिक्स हाई स्पिन डी सेवन लो स्पिन डी सेवन हाई स्पिन डी ए डी नाइन डी टेन इनके लिए हमने जो एनर्जी है वो कैलकुलेट की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डी सिक्स लो स्पिन है उसके लिए जो सी एफ ए का साइन है वो पॉजिटिव है और अगर आप डी एट को देखेंगे तो ये साइन पॉजिटिव है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये भी क्या है इनर्ट कॉम्प्लेक्स uh, है तो इस तरीके से आप चार कन्फिग्रेशन देख सकते हैं बच्चों एक आप देखते हैं डी थ्री अब हमने चार कन्फिगुरेशन तो हमें निश्चित मिल गए चाहे कोई भी मैकेनिज्म हो रही हो ओके कोई भी मैकेनिज्म हो किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही हो तो उसमें आप ये कन्फिग्रेशन देखिए डी थ्री ओके डी थ्री है डी फाइव लो स्पिन है ओके okay. और d6 सिक्स है ओके okay. एंड d8 d8 कॉन्फ़िगरेशन तो ये हमेशा क्या होंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे ये उतनी फास्ट रिएक्शन शो नहीं तो ये नहीं इसका मतलब है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो हैं वो फास्ट रिएक्टिंग नहीं होते यानी सब्सटीटूशन रिएक्शन जो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की होगी वो आप देखेंगे डी थ्री डी फाइव लो स्पिन डी सिक्स लो स्पिन एंड डी एट ये चार ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जो हमेशा इनर्ट होंगे बहुत स्लो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी आसानी से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे इसीलिए आप अधिकतर केसेस में देखेंगे जो कोवोल्ट का टू प्लस जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको अधिकतर जगह पर आ, जो एग्जाम्पल के तौर पर दिखेगा क्योंकि जो सी ओ टू प्लस है जो जो कॉम्प्लेक्स है डी सेवन जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है लेबाइल कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा स्पेशली जो जो डी सेवन का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल है तो यहाँ पर आप देखिए जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है उन्हीं की मैकेनिज्म आपको बता पाएंगे उनकी मैकेनिज्म आपको आगे जाके देखने को मिलेगी कि वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस किस पाथ के थ्रू शो करते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस में तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा एक बार वंस वी रिवाइज कि ये जो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कैसे हेल्पफुल है ये बताने के लिए कि कौन से कन्फिग्रेशन की स्टडी हम करेंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम उन्हीं की पढ़ पाएंगे जो लेबाइल होंगे जो इनर्ट होंगे वो तो सब्सिट्यूशन रिएक्शन करेंगे ही नहीं तो जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होंगे वो तीन जो चार कन्फिग्रेशन है उनको छोड़कर बाकी सारे लेबाइल अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये डिपेंड करेगा कि एस एन वन मैकेजम है कि एस एन टू है तो एक और जो डी सेवन लो स्पिन है वो भी इनर्ट हो जाता है एस एन वन के केस में और ये किस पर डिपेंड करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की और इंटरमीडिएट की उसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना लेबिलिटी बढ़ेगी तो आप ये कह देंगे कि ये जो जो एनर्जी प्रोफाइल है ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स का है और ये जो है वो किसका है ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स का एनर्जी प्रोफाइल है तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो डिफरेंस है वो बता रही है कि ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है और ये एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए सी एफ एस सी पता होनी चाहिए इंटरमीडिएट स्टेट की एंड रिएक्टेंट की यहां पर हम दो ही इंटरमीडिएट uh, स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं पेंटागनल बाई पिरामिडल या ट्राइगनल बाई पिरामिडल को डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो इंटरमीडिएट्स हैं वो अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हमने लो एनर्जी रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट्स लिए हैं तो आपने देखा कि जहाँ पर नेगेटिव होगी ये डिफरेंस जो है तो वो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर ये पॉजिटिव होगी तो वो एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर मैंने आपको स्प्लिटिंग दिखाई है कि स्क्वायर पिरामिडल की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है आप उसकी सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टाइडल की कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया और डिफरेंस देखा और वहाँ से आपको पता चल गया कि जो डी है जो डी फाइव है जो डी सिक्स एल एस है वो डी एट है ये क्या है इनर्ट कॉम्प्लेक्स है उसी तरीके से आपको स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए ऑक्टाइडल वेज की अगर ये आपको पता होगी तो आप आसानी से किसी भी कन्फिग्रेशन के लिए क्या बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि इसकी जो सी एफ एस सी है वो कैसे कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर ऑक्टाइडल वेज की सी एफ एस सी और जब हमें डिफरेंस मिला तो हमें अगेन ये रिजल्ट मिला कि डी थ्री डी फाइव एल एस डी सिक्स एल एस एंड डी एट दे आर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस दे आर स्लो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस ओके तो इस तरीके से आपने देखा कि कितना हेल्पफुल है मतलब हमें यह बता रहा है कि कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनके थ्रू हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो कि इनर्ट नहीं होंगे जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे पाएंगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम फिर फाइनली डिस्कस uh, करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में जिसे हम एकवेशन रिएक्शन कहते हैं ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्सेस की क्योंकि अब हम इसमें इंटरमीडिएट्स भी जान चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे यानी जो लेबाइल होंगे वही सब्सटिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच